2023 का जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर था, हर बार यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम का जब प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम देती है तो चौंका देती है। इस बार आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में करंट के क्वेश्चन थोड़ा कम किए गए, बल्कि कोर एरिया को बढ़ाया गया। इसमें ज्योग्राफी के 18 क्वेश्चन थे, एनवायरमेंट के 18 क्वेश्चन थे और करीब 12 की संख्या में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन थे। साथ में इस बार हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री को प्रायोरिटी दी गई, क्योंकि आयोग और भारत सरकार भी ऐसा चाहती है कि जो हमारी प्राचीन जो इतिहास है उसके बारे में, और खास करके दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसके बारे में हम अच्छी तरीके से वाकिफ हों। तो इस बार का जो पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा लगता है कि आयोग के पास कुछ रिसर्चर, मार्केट में क्या चलता है, कोचिंगों में क्या चलता है, वो पूरा एक रिसर्च करते रहते हैं और एक अंततः वो ऐसा पेपर डिजाइन करते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन फिर भी जय गणेश के जो बच्चे थे उन्होंने, क्योंकि यहाँ समग्र और समुचित रूप से पढ़ाई होती है, इसलिए यहाँ के बच्चों ने शानदार पेपर दिया और रिजल्ट भी बनाए, एक नहीं अनगिनत रिजल्ट बनाए। और रिजल्ट बनाने की परंपरा में न सिर्फ बड़े बल्कि छोटे हर क्षेत्र में रिजल्ट बनते आए हैं और बच्चों के लिए बेहद आवश्यक है, हर क्षेत्र में वो